चुनावों के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी की सरकार बन रही है क्योंकि उनके पास बहुमत आ गया है। एक सीट जिसकी काफ़ी चर्चा चुनावों के दौरान भी रही और अब भी है, वो सीट है असंध विधानसभा, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी मैदान में थे। गोगी जी, हार हुई है और क्या आप इस हार को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, हार तो स्वीकार करनी पड़ेगी, हार हुई है, जनता का फैसला है, उसको आप कैसे कुछ कर सकते। हार क्यों हुई उस पर बात हो सकती है। वो समीक्षा आपने की? नहीं, मैं कुछ समीक्षा की है, अभी चल रही है, कल मीटिंग रखी है, बहुत सारे साथी आएंगे तो उनसे भी पूछेंगे भी क्या क्या हुआ। तो लेकिन मेरे को दो बातें लगती हैं, एक तो पार्टी के अंदर जो रह के चेहरा कांग्रेस का और सपोर्ट किसी और की दूसरी पार्टी की, एक उनका नुकसान हुआ है और एक पोलराइजेशन का। लगातार बयानबाजी जो देखने को मिल रही थी, आप ये भी मानते हैं क्या, ये आप ये भी मानते हैं कि टिकट बांटने में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली और चेहरा भी चुनावों के अंदर कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था? भाई, सारी कमांड उनके हाथ में थी, अपने आप ही उन्होंने चेहरा बना लिया, अपने आप ही, कोई हाई कमांड ने तो कहा नहीं, लेकिन उन्होंने गाना ही ऐसा बनवा दिया कि हुड्डा सरकार बनेगी। जहाँ जाते थे यही कहते थे कि हुड्डा साहब की सरकार बनेगी, तो उससे एक नरेटिव बनता चला गया और उस नरेटिव को बीजेपी ने बुनाया जाके जहाँ पे वो काम कर सकता था वो काम कर गया। ये भीतरघात तो सर 5 साल से 10 साल से चल रहा था, खत्म क्यों नहीं कर पा रही कांग्रेस पार्टी से, क्या आगे खत्म कर पाएगी? देखो, हो सकता है कि कुछ ऐसा ऊपर हरा हरा दिखा रखा हो, भई हमारे बगैर गाड़ी नहीं चलेगी, अब सबको पता लग गया भी गाड़ी ही इनकी वजह से रुकगी। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र? हाँ, सारी कमांड किस पे थी? उदय मान जी तो बेचारे मेरे जैसा ही था, तो उसकी तो कोई थी नहीं कहानी। वो भी चुनाव हार गए? चुनाव हारना एक अलग व्यवस्था है, चुनाव तो मैं भी हार गया, लेकिन अपनी बात रखने की हिम्मत बेचारे में नहीं थी। एक अध्यक्ष के तौर पे जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाया वो। राहुल गांधी की रैली हुई, बड़ा मुद्दा उठाया गया, भीड़ भी जुटी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, कुमारी सैलजा आई, उसका फायदा नहीं हुआ क्या? मैं कहता हूँ 36 घंटे में हमने सब कुछ किया और जब हुड्डा साहब वहाँ बोले उन्होंने हमारा नाम ही नहीं लिया, तो आप बताओ ये पार्टी हित में था या पार्टी के खिलाफ था? क्या समझते नहीं है वो आपको कुछ भी? वो समझते नहीं, वो मेरे को समझते हैं, वो समझते हैं जो उनके साथ है वही कांग्रेसी, जो कुमारी सैलजा के साथ है वो कांग्रेसी नहीं है। और आप कुमारी सैलजा के, मैंने आज कहा है दिल्ली में भाई कांग्रेस नहीं आ रही है, हुड्डा कांग्रेस आ रही है। क्या करना चाहिए पार्टी को, शमशेर सिंह गोगी क्या सलाह देंगे? मैं तो ये सलाह दूंगा कि इसका जीरो लेवल पे मंथन करके नई लीडरशिप दी जाए। और असंध के लिए क्या करेंगे? अब तो आप विधायक, जनता की सेवा में हाजिर रहूंगा, जो भी बनेगा उनके दुख सुख में जहाँ भी शामिल होऊंगा, और 5 साल बाद या जब भी इलेक्शन होगा फिर उनके सामने हाजिर हूँगा। शमशेर सिंह गोगी भले ही चुनाव हार गए हों लेकिन असंध की जनता के लिए अभी भी काम करेंगे और साफ कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव नहीं हारी है, हुड्डा कांग्रेस चुनाव हारी है। वो उस व्यक्ति को कुछ नहीं समझते हैं जो उनके साथ नहीं है, वो अगर किसी और के साथ है तो फिर उसे कुछ समझा नहीं जाता है। लेकिन और भी तमाम बातों को लेकर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए नज़र आए और संगठन बनना चाहिए, साथ ही साथ इस पूरी हार की समीक्षा होनी चाहिए। खबरें अभी तक के लिए करनाल से, हिमांशु नारंग।